Hi friends, welcome to my channel Jai Garima Education Center. Today we will also discuss about on some spoken structure. Okay, तो फिर आज हम लोग spoken के कुछ structure पर बात करने वाले हैं. तो इससे पहले मैंने आपको शायद चार लेक्चर अपलोड कर रखा है YouTube पर, तो आप देख सकते हैं जाकर. अगर नहीं देखे होंगे तो बहुत अच्छा structure था. ठीक है, तो हम अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ठीक है, ऐसा नहीं है स्पोकन बोलने मतलब इंग्लिश बोलने के लिए आपको डायरेक्ट ऊपर से कोई आएगा और आपको घुट्टी पिला देगा और आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. आप छोटे छोटे से मतलब सेंटेंस को उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए. जितना मतलब ट्रांसलेट कर सके आप उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए. और स्ट्रक्चर केवल बताया जाता है कि हाँ कुछ कुछ चीज़ों को मतलब ट्रांसलेट स्पेशल चीज़ों को ट्रांसलेट किया जा सके. ठीक है, तो आप लोगों को छोटा छोटा सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और प्रैक्टिस करना है, अपने से बोलना है जो कुछ भी, मतलब आपको कुछ भी अगर बोलना हो. ठीक है, तो उसको ट्राई कीजिए कि हाँ इंग्लिश में ही बोले, ऐसा बोला जाता है धीरे धीरे. 6-7 महीने 10 महीने ऐसे लग सकते हैं मतलब थोड़ा आपको रफ्तार में आने का. ठीक है, और आप खुद ब खुद बाद में जब माहौल में जाइएगा तो क्या फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो हम लोग आज स्ट्रक्चर 6 के ऊपर बात करने वाले हैं. और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर 6 लिख रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या सब्जेक्ट होगा. ठीक है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी रह सकता है. अच्छा, यहाँ पर दो चीज, कांट हेल्प एंड COULD couldn't help. और आप यहाँ पर कुछ भी रखिए, जब बोले यहाँ पर आप मेन वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं, मेन वर्ब, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आ जाएगा. ठीक है, अदर वर्ड में आप कंप्लीमेंट सब आ जाता है. तो यहाँ पर देखिए मैंने ये तीर बनाया है, कांट स्टॉप का होता है, कांट स्टॉप रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता. और कुड नॉट स्टॉप रोक नहीं, मच्छर तो बहुत कट रहा, रोक नहीं सका या पाया. ठीक है, देखिए कांट स्टॉप अगर प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब होगा रोक नहीं सकता, और कुड नॉट हेल्प का अगर प्रयोग करेंगे तो रोक नहीं सका या रोक नहीं पाया. आपको ये विचित्र लग रहा होगा लेकिन जब हम एग्जांपल उसके देखेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ उस पर सेंटेंस कैसे बनते हैं. ठीक है, थीके? तो यहाँ पर देख लीजिए सच में, अबे ये क्या, सच मान लीजिए कि आपको जो है मैंगो बहुत पसंद है. ठीक है, और आपके घर वाले क्या बोले, अरे तुम मैंगो मत खाओ यार, तुम्हें मतलब ये जो है इफेक्ट करेगा. तो आप क्या बोला है, मैं आम खाने से अपने आप को रोक नहीं सकता. यहाँ पर देखिए रोक नहीं सकता, मैं अब मतलब मैं खुद को आम खाने से रोक नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना, या मैं उससे बात करने से रोक नहीं सकता, मैं क्रिकेट खेलने से रोक नहीं सकता. मतलब आप लोग ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे, तो ठीक है तो उन्हीं सेंटेंसों को हम देखेंगे. तो पहले आपको एक बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आम खाने से रोक नहीं सकता, आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प ईटिंग eating mangoes. और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है, ये जो मेन वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में आप सिर्फ वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे,
अदर वर्ब का फॉर्म प्रयोग नहीं होता है यहाँ पर। कुड नॉट हेल्प या कांट हेल्प के बाद जो मतलब हमारा मेन वर्ब आएगा उसको हम वर्ब फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोज, मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक सकता। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने से रोक नहीं सकता। मान लीजिए आपकी कोई क्रश है, आप जानते हैं कि हाँ वो मेरी क्रश है, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हैं कि यार मैं उससे बात करने से मतलब अपने आप को रोक नहीं सकता या नहीं रोक पाता हूँ ऐसा, ठीक है, तो रोक नहीं सकता। तो कितना बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बन रहा है, आप मतलब हजारों लाखों सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, इसमें बहुत सारा सेंटेंस बन सकता है। जैसे मान लीजिए whenever I go to village, whenever I go to village I can't I can't help क्या बोले आपको, मतलब जब भी मैं विलेज जाता हूँ तो आई कांट हेल्प, मैं रोक नहीं सकता, कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए टॉकिंग टू दैट गर्ल, मतलब वेन एवर आई गो टू विलेज आई कांट हेल्प टॉकिंग टू दैट गर्ल। देखिए ये कितना झकास सेंटेंस होता है, मतलब वेन एवर आई गो टू विलेज आई कांट हेल्प टॉकिंग टू दैट गर्ल, मतलब जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो उस लड़की से बात किए बिना मतलब मैं रह नहीं सकता। देखिए कितना शानदार सेंटेंस बन रहा है, तो आप भी अगर चाहें तो मतलब हज़ार सेंटेंस इस पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा ही एक और सेंटेंस बनाते हैं हम, he couldn't help playing cricket। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं he could not help playing cricket, यानी वो अपने आप को क्रिकेट खेलने से नहीं रोक सका, ठीक है। तो मैंने दो चार सेंटेंस यहाँ पर बना दिया है, अगर आप चाहें तो इस पर बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मतलब दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है आपको और उसके बाद कांट हेल्प या कुड नॉट हेल्प, और अगर कांट हेल्प लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है रोक नहीं सकता, अगर कुड नॉट हेल्प लगाते हैं तो रोक नहीं सका या रोक नहीं पाया, ठीक है। और उसके बाद जो मेन वर्ब हमारा लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब फोर के फॉर्म में होगा, अदर वर्ब का फॉर्म आप नहीं लगा सकते, जैसे 1 2 3 ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है उसके बाद, और जो अदर में आ जाएगा हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा अगर क्लास लेंदी हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग फील होने लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन सून टू टेक ए डेंजरस स्पोकन स्ट्रक्चर, ओके, थैंक यू।